कोविड से ही जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज से स्कूल्स खुल रहे हैं। पंजाब में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले माता पिता को अपनी लिखित सहमति देनी होगी। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। वहीं 16 अगस्त से क्लास 6 से लेकर 8 के छात्र स्कूल जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी स्कूल आज से 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए ही फिजिकल स्कूल फिलहाल खोले गए हैं। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगे। हालांकि अभिभावकों की एक राज्य स्तरीय निकाय ने आने वाली तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्कूल्स को खोलने के कदम का विरोध किया है। समूचे पंजाब के सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एडिड स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। प्री प्राइमरी क्लास तो लैके 12वीं क्लास तक सारे बच्चे जिन्हों के माता पिता लिखित विच अंडरटेकिंग देंगे कि साडे बच्चों फिजिकली क्लासा अटेंड करने वास्ते अलाउ किया जाए, उन्होंने सारे बच्चों वास्ते असी स्कूल खोल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर गुरप्रीत सिंह चिन्ना इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुरप्रीत, गुड मॉर्निंग। लगातार हमने देखा था कि केंद्र और एक्सपर्ट्स की तरफ से राज्यों को ये सलाह दी गई थी कि जब भी स्कूल्स खोलने का फैसला लिया जाए तो पहले जो सीनियर क्लासेस हैं उनको शुरू किया जाए, मगर पंजाब सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया है। इसके पीछे कोई खास वजह? जी, जो पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब सरकार के अकॉर्डिंगली केसेस कम हो रहे हैं और मौतों की दर भी कम हो रही है, लेकिन थर्ड वेव को लेके भी काफी स्टडीज कराई गई हैं। तो अभी पंजाब वाले ये कह रहे हैं कि पंजाब में जितने भी स्कूल्स हैं उनको बोला गया है कि कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस फॉलो किया जाए, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ये शुरू किया गया है। तो आज देखेंगे कितने पेरेंट्स जो कंसेंट देते हैं अपने माँ बाप को लाने में, माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को भेजने में, तो ये सभी बातें आज दिन में क्लियर होगी तो कैसे कैसे चलेगा। लेकिन पंजाब सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि सभी की सभी क्लासे हैं जो प्री नर्सरी से लेके 12th क्लास तक स्कूल ओपन होगा। पिछले 2 साल से लगातार देख रहे हैं कि स्टूडेंट की स्टडी इफेक्ट हो रही है। अब देखना यह है कि थर्ड वेव के आने से पहले ऐसा स्टेप कैसा पड़ेगा। जी गुरप्रीत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।